अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा इस यूट्यूब चैनल दावा फुजूर होम्योपैथी में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को डॉक्टर रेकविक की R18 ड्रॉप के बारे में जानकारी दूंगा और इस ड्रॉप को आप किस किस काम पर इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। R18 होम्योपैथिक मेडिसिन किडनी और गॉल ब्लैडर की सही प्रकार समस्या के लिए इस्तेमाल होती है। मूत्रपथ के दौरान अरब की मूत्राशय में सूजन की समस्या रहती है, उसके साथ साथ पेशाब करते समय पेशाब की नाली में जलन, सूजन, दर्द और पेट में दर्द की समस्या अरब को रहती है, तो उस कंडीशन के लिए भी इस R18 होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। अरब को पीला पेशाब आने की समस्या रहती है और पेशाब में अरब को खून भी दिखाई देती है, तो उस कंडीशन के लिए भी इस R18 होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। इस ड्रॉप का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अरब को UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या दिखाई देती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस डॉक्टर रेकविक की R18 ड्रॉप बहुत ही अच्छी है। यूरिक एसिड के दौरान आपकी शरीर की जॉइंट में अगर दर्द की शिकायत रहती है, तो उस दर्द को और यूरिक एसिड की समस्या को ठीक करने के लिए इस R18 ड्रॉप बहुत ही अच्छी है। इस R18 ड्रॉप किडनी स्टोन की समस्या के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसमें जो जो होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है, सभी के सभी होम्योपैथिक मेडिसिन किडनी के समस्या और गॉल ब्लैडर के समस्या के लिए इस्तेमाल होती है। अरब को गुर्दे में सूजन, उसके साथ साथ गुर्दे में चुभने से दर्द, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पेशाब आना और पेशाब बंद हो जाना, इस तरह की समस्या के लिए भी इस ड्रॉप बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं इस ड्रॉप को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अरब को समस्या ज़्यादा है तो उस कंडीशन के लिए आपको इस मेडिसिन को दिन में 3 से 4 बार आपको आधे कप पानी में इस मेडिसिन की 15 बूंद आपको मिला देना होगा और मिला के पीना होगा। अगर आपकी समस्या कम है तो उस कंडीशन के लिए दिन में 2 बार आपको 10 बूंद आधे कप पानी में मिलना होगा, मिला के पीना होगा। इस तरह से अगर आप इस R18 ड्रॉप को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो किडनी स्टोन की समस्या और गॉल ब्लैडर की जो जो समस्या है, वो समस्या आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी।